हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुका स्टडी में। मैं कमल बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर आवयूह का महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहूँगा, जो दोस्तों आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स में खास तौर पर दोस्तों एनसीईआरटी का यहाँ पर 12th लेवल का दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर में आता है मैट्रिक्स। दोस्तों इसके बारे में दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। शुरुआत से हमने दोस्तों यहाँ पर पार्ट नंबर 1 से लिया है और धीरे धीरे दोस्तों हम बढ़ते हुए यहाँ पर टर्म को आपको कराते जाएंगे। जो भी आपके बढ़ते हुए दोस्तों आपकी प्रश्नावलियाँ होंगी, जो भी आपके दोस्तों एग्जाम्पल होंगे, उनको हम आपको बताते रहेंगे। तो शुरुआत से आप देखेंगे दोस्तों, और यहाँ पर देखिए शुरू करने से पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपके यहाँ पर रोज ही मिलेंगी नई नई वीडियो दोस्तों एग्जाम के आधार पर। और दोस्तों 12th लेवल के मैथमेटिक्स के सभी टॉपिक हम यहाँ पर लगातार डालते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इतना से आप देखिएगा दोस्तों, ध्यानपूर्वक यहाँ पर आप कॉपी निकाल के समझिएगा, क्वेश्चनों को देखिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, अर्थात दोस्तों आव्यूह। सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों आव्यूह होता क्या है, अर्थात डेफिनेशन क्या होती है एक आव्यूह की दोस्तों एक मैट्रिक्स की। यहाँ पर देखिए आव्यूह संख्याओं का मतलब दोस्तों आपकी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, अर्थात वास्तविक और काल्पनिक नंबर दोनों का दोस्तों, दोनों प्रकार की संख्याओं का अथवा फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। अर्थात दोस्तों एक क्रम विन्यास होगा, एक आयताकार क्रम विन्यास। आप ध्यान देंगे आयताकार मतलब इस तरह का एक क्रम विन्यास होगा। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव या प्रविष्टियां कहा जाता है। अब देखिए जो आपके यहां पर नंबर आएंगे दोस्तों अंदर जो भी आएंगे, इनको क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको यहां पर अवयव, एक आव्यूह के जो भी आपका नाम देंगे आप अवयव को दोस्तों, उसके अवयव कहलाएंगे या फिर आप प्रविष्टियां कहेंगे, अर्थात ये आपके एलिमेंट कहलाएंगे दोस्तों। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक छोटा एग्जांपल देंगे जिसके माध्यम से आपको पता लग पाएगा दोस्तों कि आपका अवयव क्यों आवश्यक है या फिर अवयव कहाँ पर कैसे प्रयोग में आएगा। दोस्तों मान लीजिए मोहन, यहाँ पर मोहन के पास में 10 किताबें हैं, मोहन के पास 10 किताबें हैं और आपको लिखना है दोस्तों मोहन के पास 10 किताबें हैं, तो इसका रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, आप ब्रैकेट के अंदर 10 लिख दें तो ये दोस्तों आपका यहाँ पर दिखाएगा मोहन के पास 10 किताबें हैं। अब मान लीजिए मोहन के पास 10 किताबें और 5 कलमें हैं, 5 कलमें भी हैं, इन दोनों को दिखाना है, ये आपके यहाँ पर किताबें हो गई और ये आपकी कलमें हो गई। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों किताब अलग है, कलम अलग है, तो दोनों को अलग अलग आपको करना पड़ेगा। तो इसको दिखाने का तरीका आपका होता है दोस्तों, आप दिखाएंगे तो ये आपका यहाँ पर 10 और एक में दोस्तों आपने 10 यहाँ पर लिखा 10 और दूसरे में दोस्तों आपने लिख दिया 5, तो इस तरह का आपने दोस्तों बना दिया। या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 10 ऊपर और 5 नीचे, तो ये दो तरीके आपके निकल के आ गए एक ही बात को कहने के, 10 किताबें और 5 कलमें। अब वैसे ही मान लीजिए दोस्तों मोहन और सोहन और हामिद तीनों के पास में, मोहन के पास में कितनी थी 10 और सोहन के पास मान लीजिए दोस्तों 15 हैं और हामिद के पास दोस्तों 20 किताबें हैं, तो इतनी किताबें हैं। वैसे ही इनके पास में दोस्तों कलम जो हैं दोस्तों एक के पास में 7, एक के पास में 9, एक के पास में 10। अब इनको आपको रिप्रेजेंट करना है दोस्तों एक आव्यूह के फॉर्म में, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, एक ऊपर वाले में आप दोस्तों किताबें लिख देंगे 10, 15, 20 और नीचे वाले में कल में लिख देंगे 7। अब यहाँ पर देखिए 10 के नीचे बिल्कुल आपका 7 आएगा, क्योंकि दोस्तों सोहन की आपने मोहन की 10 किताबें ली और कल में उनकी नीचे आएंगी, तो यहाँ पर आप ये वाला नहीं लिखेंगे या फिर ये वाला नहीं लिखेंगे, आप यही वाला लिखेंगे। और वैसे ही आपका 15 के नीचे आप 9 लिखेंगे और 20 के नीचे दोस्तों आप 10 लिख देंगे। तो ये दोस्तों दिखाता है आपका किताबों और कलमों की संख्याओं को। और यहाँ पर देखिए इसी को आप लिख सकते हैं दोस्तों एक इस तरह के फॉर्म में, आपका बिल्कुल वही बात को आप कह सकते हैं, आपने मान लिए यहाँ पर 10 लिखा, यहाँ पर 15 लिखा, यहाँ पर आपने 20 लिख दिया और यहाँ पर आपने दोस्तों 7 लिखा, यहाँ 9 लिखा, यहाँ पर आपने 10 लिखा, तो आपने वही बात कही दोस्तों, लेकिन ये दूसरा तरीका हो गया बात को कहने का। तो यहाँ पर देखिए दोनों प्रकार की फॉर्म आपकी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देखिए आपको पता लग गया होगा इनका क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं दोस्तों पंक्तियाँ और कॉलम की। ये दोस्तों आपको जो दिख रही हैं ये तिरछी वाली, ये आपकी क्या कहलाएंगी, रो कहलाएंगी या फिर आप कहें पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ हैं दोस्तों, इनको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं रो नाम से। और ये आपके जो खड़े हैं दोस्तों ये आपके हैं क्या, कॉलम कहें या फिर आप स्तंभ कहें, स्तंभ या फिर आप कहें कॉलम सी। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पहला वाला आपकी पहली वाली रो कहाँ तक चली, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों आपकी पहली वाली है। आप तिरछी लाइन में जहाँ तक भी जाएंगे वहाँ तक दोस्तों केवल आपका R1 ही आपका रहेगा, नीचे वाली में आएंगे कहीं तक जाएं फिर आपका R2 ही रहेगा। कहने का मतलब
आर वन, ये भी है, ये भी, ये भी, अर्थात तीनों एलिमेंट दोस्तों आर वन के अंदर आएंगे। अब आर टू के अंदर ये तीन एलिमेंट आएंगे। और वैसे ही दोस्तों कॉलम की बात करें हम, तो पहला कॉलम आपका दोस्तों ये वाला है, खड़ा वाला, तो आपका सी वन, ये आपका दोस्तों सी टू। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी आपका पहले कॉलम में है, ये भी आपका पहले ही कॉलम में है, और ये आपका दोस्तों दूसरे कॉलम में है, दोनों एलिमेंट आपके दूसरे कॉलम में। अब कितने ही एलिमेंट होंगे दोस्तों, वो सारे के सारे आपके सी टू में ही आएंगे। और यहाँ पर आपका सी थ्री, तीसरा वाला कॉलम, तीसरा वाला स्तंभ, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपने देखा होगा, आप यहाँ पर ये आपकी एक्स अक्ष है और ये आपकी वाई एक्स है, तो यहाँ पर दोस्तों आप एक्स में कहीं भी जाएंगे तो यहाँ पर आपका हमेशा क्या होगा, वाई आपका दोस्तों ज़ीरो होगा, वाई बिल्कुल आपका ज़ीरो होगा। वैसे ही आपको यहाँ भी ध्यान देना है, आपका यहाँ पर ये बिल्कुल आपका वही रहेगा दोस्तों, और जब आप ऊपर नीचे करेंगे तभी आपका परिवर्तन होता है। अब यहाँ पर देखिए, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, स्तंभ और कॉलम का आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, एक ऑर्डर की, एक मैट्रिक्स का, एक आव्यूह का दोस्तों ऑर्डर होता है, अर्थात उसकी कोटि होती है, तो कोटि किसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब भी आप आव्यूह को व्यक्त करेंगे तो हमेशा आप कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात बड़े अक्षरों का दोस्तों आप प्रयोग करेंगे एक आव्यूह को दोस्तों प्रदर्शित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लीजिए आपने कोई आव्यूह बनाया दोस्तों, आपने यही हमने आव्यूह का नाम दिया है, तो आप ए दे देंगे, या फिर आप इसे देंगे तो आप इसे बी देंगे, कहने का मतलब कैपिटल में लिखेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आव्यूह की कोटि समझने से पहले आपको क्लियर होना चाहिए आपका रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बड़ा आव्यूह लेंगे। मान लीजिए दोस्तों, आपने ए नाम दे दिया, ए इक्वल टू, इस तरह का आपने दोस्तों एक डायग्राम बना दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर आपकी एम पंक्तियाँ हैं, पंक्तियाँ मतलब दोस्तों आपकी रो हैं, और एन दोस्तों आपके कॉलम हैं, स्तंभ हैं, स्तंभ आपके एन हैं, आप यहाँ पर सी कहेंगे। तो अब आप क्या करेंगे दोस्तों, आपके एम पंक्तियाँ, मान लीजिए पहला एलिमेंट आपका होगा दोस्तों ए वन वन, दूसरा आपका क्या होगा ए वन टू, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला वाला नंबर आपका जो दिखाता है वो आपका दोस्तों रो को दिखाता है। यहाँ पर देखिए ए वन आपका, यहाँ पर आई जे आप ले लें तो पहला एलिमेंट दोस्तों आपका रो को दिखाएगा, दूसरा एलिमेंट आपका कॉलम को। तो इसका मतलब देखिए, पहली रो आपकी यहाँ तक चलेगी, तो आपका ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, और डेडेस करके दोस्तों आपका ए वन कहाँ तक जाएगा दोस्तों, आपका एन तक जाएगा, तो यहाँ पर आप एन लिख देंगे ए वन एन। वैसे ही दोस्तों आप नीचे को करेंगे, अब दूसरी वाली आपकी कॉलम लगे, रो लगेगी, तो ए टू वन, देखिए दूसरी रो, रो आपकी दोस्तों यहाँ पर आर वन थी, ये आपकी आर टू है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए सी वन, सी टू और सी थ्री, और यहाँ पर दोस्तों आपका सी एन। और वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर आर वन, आर टू कहाँ तक जाएंगे, आर एम तक जाएंगे, तो डेडेस करके आप मान लेंगे आप कहाँ पहुँच गए, आर एम वन में। और वैसे ही आगे को बढ़ेंगे दोस्तों आप, आर दूसरी वाली आपकी रो है, कॉलम आपकी दूसरी है, और वैसे ही आपका यहाँ पर दूसरी वाली आपकी रो है, कॉलम तीसरी वाली है, तो ऐसे ही दोस्तों आप पहुँचेंगे आर टू एन तक। और नीचे को दोस्तों आप पहुँचते पहुँचते यूँ ही बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा आर, तो एम यहाँ पर रो आ गई और कॉलम दोस्तों आपका एन आ गया, तो ए एम एन आपका दोस्तों आखिरी वाला एलिमेंट होगा। और यहाँ पर आप कोटि लिख देंगे दोस्तों, आपकी जो ऑर्डर है, कोटि है, वो यहाँ पर आप लिखेंगे एम गुणा एन, तो ये आपका दोस्तों एम गुणा एन क्या हो गई, एक आव्यूह की, एक मैट्रिक्स की दोस्तों ऑर्डर कोटि हो गई। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका हमेशा कि बताइए आव्यूह की कोटि क्या है, आव्यूह का ऑर्डर क्या है, तो बहुत ही आसानी से आप बता देंगे। अब मान लीजिए दोस्तों आपको तीन गुणा तीन एक आव्यूह की आपको कोटि दी है, तो आपको आव्यूह का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए तीन एलिमेंट आपके कहाँ हैं, रो में, और तीन एलिमेंट आपके कॉलम में, तो यहाँ पर देखिए ए वन वन, ए वन टू और ए वन थ्री, तो यहाँ पर देखिए तीन एलिमेंट आपके कॉलम के आ गए। वैसे ही आप नीचे को लिखेंगे, रो तीन आप लिखेंगे तो ए टू थ्री, तो तीन आपकी रो आ गई दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये आपका वन वन, और यहाँ पर टू टू, और यहाँ पर थ्री टू, और यहाँ पर दोस्तों आपका टू थ्री, और यहाँ पर आपका थ्री थ्री, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका थ्री थ्री, अर्थात थ्री इंटू थ्री, ये आपका ऑर्डर हो गया। अब आपको क्लियर पता हो गया होगा दोस्तों आप कोटि कैसे निकालेंगे और आपके ऑर्डर की रो कॉलम क्या होती हैं। अब देखिए दोस्तों, एक आपका शॉर्ट फॉर्म होता है किसी भी आव्यूह को रिप्रेजेंट करने का, प्रदर्शित करने का, तो उसके लिए आप करते हैं ए इक्वल टू ए आई जे, और बाहर आप लिख देते हैं दोस्तों एम इंटू एन,
और m इंटू एन क्या है दोस्तों, ये आव्यूह की कोटि है। तो इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इतना बड़ा आव्यूह आप नहीं बनाएंगे, केवल आप इतना लिख देंगे दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल यही है। कहने का मतलब आपका यही है, केवल आपने फॉर्म बदल दिया। आपने देखा होगा 2.5 को आप दोस्तों चाहें तो 25 बट्टे 10 आप लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का एक ही मतलब है। तो बिल्कुल यहाँ भी वही बात है। अब मान लीजिए आप ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर देखिए एलिमेंट आपको दे दिए जाएंगे और ओपन आपको करना है तो आप बिल्कुल वैसे ही ओपन करेंगे A11, A12। ध्यान आपको इतना देना है दोस्तों, पहला वाला आपका क्या होगा, ये आपका रो होगा। तो पहली वाली रो में आप चलेंगे तो A1 ही आएगा, और बाद वाला आपका दोस्तों कॉलम आप बदलेंगे A12, दूसरी रो में आपका 2, तीसरी में आपका 3, लेकिन ये आपका यहाँ पर 2 ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा एक आव्यूह की कोटि क्या होती है दोस्तों, ऑर्डर आपका एक मैट्रिक्स का क्या होता है, और ये भी आपको पता लग गया होगा एक आव्यूह होता क्या है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हम आगे को बात करेंगे दोस्तों, एक आव्यूह की रचना आप किस प्रकार करते हैं, एक क्वेश्चन आपका आता है आव्यूह की रचना करने का, तो वो भी हम आपको बताएंगे। और लगातार दोस्तों स्टेप टू स्टेप आपको पूरी यहाँ पर हम कोर्स का कराएंगे, पूरा आपका सिलेबस का दोस्तों, आपका जितना भी है हम आपको लगातार कराते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।